फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी मैन्युफैक्चर एलईडी बल्ब्स हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एक कंपनी जो कि एलईडी बल्ब्स बनाती है तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपये है, सेल्स प्राइस पर बल्ब 60 रुपीज़ है, और बाकी की जो अदर कॉस्ट है जैसे रॉ मटेरियल का, लेबर का, यूटिलिटी का, वो 40 रुपीज़ है। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट इसका कैलकुलेट करना है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है और जो फिक्स कॉस्ट आती है, जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको हम अपने कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यानी ये क्या, इसमें कहना क्या चाहते हैं हम लोग, कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको आप लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आया या प्रॉफिट आया, हमारी फिक्स कॉस्ट को कितना वो कवर कर रहा है। फिक्स कॉस्ट मतलब हमने जितने का खर्चा लगाया, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो उस खर्चे को कितने टाइम पे रिकवर करेगा। जैसे ही हमारा कंट्रीब्यूशन उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेगा, सो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली उस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट मतलब हमने खर्चा लगाया, कोई भी हमने मान लीजिए दुकान खोली है या फिर कोई हमने इंडस्ट्री सेटअप की है, तो उसमें हमने फिक्स कॉस्ट में कुछ खर्चा लगाया डिवाइडेड बाय आपका कंट्रीब्यूशन कितने का है। सी, कंट्रीब्यूशन आपको अपना देखना होगा। तो जितने का भी हमने कंट्रीब्यूशन किया, अभी कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेल्स प्राइस माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर आप अपनी सेल्स प्राइस में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और हमें क्या करना है, अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। वही इसमें सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फिक्स कॉस्ट कितना दिया, 2 लाख का दिया, तो हम आप लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बदले 2 लाख पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग याद करके जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही आप अपने सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। इस केस में आपकी सेल्स प्राइस कितनी है, 60, और ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट का जितना कंट्रीब्यूशन है उसी को यहाँ पे पुट किया जाता है। तो एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी है, 60, और जो वेरिएबल कॉस्ट है कितनी दी है, 40। वेरिएबल कॉस्ट उसको बोलते हैं जो वेरी करता है, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर पे खर्चा किया, यूटिलिटीज पे खर्चा किया, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, पर हमें वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से मालूम है कि ये आपको वेरिएबल कॉस्ट ही दिया है। कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट मेंशन होगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, कई बार डायरेक्ट मेंशन नहीं भी होगा, बट हमें मालूम होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट का मतलब। ये जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, जैसे कि रॉ मटेरियल खर्चा का खर्चा, लेबर को पे करने का खर्चा, यूटिलिटीज के ऊपर खर्चा, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा 40 आ गया। तो सेल्स हमारी 60 की थी और वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना आया, 40। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 हमें क्या मिला, ये हमें मिला सी, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे, 2 लाख को 20 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 2 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000। 10,000 हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका मतलब ये यूनिट जब 10,000 बल्ब, जो एलईडी के बल्ब है, वो बेच देगी तो 2 लाख की रिकवरी हो जाएगी, और जैसे ही 2 लाख की रिकवरी हो जाएगी वैसे इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यानी ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी स्थिति को बताता है कि जिसमें हमने जो खर्चा लगाया, हमें उस खर्चे की रिकवरी हो गई। जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा 1 लाख का, हर महीने आपको 10,000 रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो 10,000 का आप रेंट अर्न कर रहे हैं, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, आपने घर खरीदा 1 लाख का, तो 1 लाख आपने खर्च किए और रेंट कितना आपका, 10,000 का। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,000, 10 रुपीज आ जाएगा आपका, ठीक है। 10,000 को अगर आप 1 लाख से करेंगे तो 10 रुपीज आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे 10 हो गया, बट ये रुपीज में नहीं है, ये ईयर, ये मंथ्स में जो 10,000 आप अर्न कर रहे हैं, ये हर महीने, तो 10 महीने में आपके पूरे के पूरे 1 लाख की रिकवरी हो जाएगी। तो 10 मंथ आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसे महीने को दर्शाता है जिस टाइम पे हमने जो खर्चा किया वो पूरा हमें रिकवर हो जाता है। जैसे मैंने सिंपल सा आपको रेंट वाला एग्जाम्पल दिया कि 1 लाख का घर खरीदा और 10 महीनों में 10,000 किराया आया और 10 महीने में हमें पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। तो अपने 10 मंथ्स के बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या आता है, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट होता है वैसे हमारी प्रॉफिट होने शुरू हो जाती है। अब कोई बोलेगा कि इस आदमी को दुकान, ये जो रेंट है पहले महीने से मिलने लगा, तो उसका प्रॉफिट तो पहले महीने हो गया, उसको 10 महीने का क्यों वेट करना पड़ा। एग्जैक्टली जो हमारी कॉस्ट होती है, पहले हम उस कॉस्ट को खर्च करते हैं, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट क्यों मिला, क्योंकि इसने 1 लाख रुपये खर्च किया। अगर ये 1 लाख रुपये नहीं खर्च करता तो उसको 10 रुपये का, 10,000 का रेंट कभी नहीं मिलता। तो उसका ये मतलब है कि हम अपने जो हमें 10,000 की कमाई होने लगी, हम उसको पहले मंथ की जो हमें रेंट के तौर पे कमाई हो रही, तो उसको हम अपना प्रॉफिट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख खर्च किए। तो हम बोलेंगे पहले अपना 1 लाख रुपये जो पैसा हमने लगाया तो रिकवर हो जाए, और उसके बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, नेक्स्ट डे से हमारा जो भी पैसा अर्न होगा तो उसको प्रॉफिट यानी हमारी कमाई माना जाएगा।
तो इस घर के एग्जाम्पल में 10,000 10 महीने का रेंट, तो 10 महीने में इसका ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट हो गया। जैसे 11 महीने का उसको रेंट मिलेगा 10,000, तो वो उसके लिए एक प्रॉफिट है। और उसके बाद से जब तक वो घर रहेगा, जब तक उसमें से रेंट आएगा, तो हर महीना उसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन जब तक उसका जो खुद का पैसा लगा था, जो फिक्स कॉस्ट उसकी लगी थी, जब तक वो रिकवर नहीं हुआ, तब तक उसका ब्रेक इवन पॉइंट का ही स्टेज चल रहा था। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे स्टेज पे आती है जब हमारा जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। उसका खर्चा, उसको कंट्रीब्यूशंस बोला गया, कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 60 माइनस 40, कितना हो जाएगा 20। तो 2 लाख को हम 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10,000। यानी इस दुकान वाले को, जिसने 2 लाख का खर्चा करके अपने एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है, तो उसकी जब तक 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेगी, तब तक उसका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा। जैसे ही उसकी 10,000 बल्ब बिक जाएगी, यानी उसका जो 2 लाख का उसने पैसा लगाया अपना फिक्स एसेट पे, वो खर्चा उसका निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी 10,000 के बाद से अगर वो 10,000 एक हुआ बल्ब बेचेगा ना, 10,000 के बाद से जो पहला बल्ब बेचेगा, तो उसमें वो पहली बार उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होना शुरू होगा। ऑनवर्ड्स इस तरह से चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को 3,31,000 रुपये का परचेज किया गया, उसका स्क्रैप वैल्यू 60,000। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि उसको एज ए कार आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर ऐसे कार हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे? हम उसको इस्तेमाल करेंगे आपका, इस कार में आपका स्टील लगा हुआ है, इसके टायर है आपके रबड़ के तौर पे, तो उसको हम ऐसे ही बेच देंगे। ठीक है, कार के स्टील की, रबर की जो है, और अगर उसमें हॉर्न है उसकी, उसको बेच दिया गया ऐसे ही। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 60,000 है, यानी एज ए कार उसकी वैल्यू ये नहीं है। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 60,000, और उसको खरीदा गया 3,10,000, और इसका लाइफ माना गया 5 साल, यानी बस आप 5 साल तक इस कार को इस्तेमाल कर पाएंगे। यूजफुल लाइफ ड्यूरिंग, तो ये मार्च 2022 की बात है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज रिटन डाउन वैल्यू, यानी अब इसकी वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 23, अगले साल इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसमें चार आपको ऑप्शंस इसके दिए गए। सॉल्यूशन देखते हैं। कार की वैल्यू कितनी है, 3,10,000। तो हमें करना क्या होता है, 3,10,000 माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 60,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है, और डिवाइड किससे करना है, जितना उसका लाइफ है। 3,10,000 में से अगर आप 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000। उसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 है उसका एंड यानी यूजफुल लाइफ, तो हमें मिलेगा 50,000 रुपये। तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। पूछ रहा अगले साल उसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक साल में 50,000 उसकी वैल्यू का, 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी उसका जो भी वैल्यू था उसमें 50,000 की कमी आनी चाहिए, वही उसका प्राइस होगा एज नेक्स्ट नेक्स्ट डेट, जिस डेट की बात की है, मार्च 2022 के बाद मार्च 2023 पूछ रहा है। तो इसमें साल भर में इसमें डेप्रिसिएशन कितने का देखने को मिला, 50,000 का। तो अगले साल इसकी वैल्यू 50,000 कम होगी। तो 3,10,000 का हमने खरीदा, उसमें से 50,000 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2,60,000। तो यही उसकी वैल्यू होगी एज ऑन 31 मार्च 2023। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कार जिसको 3,10,000 का हमने परचेज किया है, और 60,000 उसका जो स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल का उसका यूजफुल लाइफ है, तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू पूछ रहा है एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी अगले साल। तो हमें जानना होगा कि एक साल में उसमें कितना डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या करना है, कितनी उसकी प्राइस थी, कितने में हमने खरीदा, माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू कितना रहा। खरीदा था हमने 3,10,000 में, उसका स्क्रैप वैल्यू रहा 60,000, तो हम 60,000 को माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 को हम 5 से, जो कि उसका यूजफुल लाइफ है, डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 50,000। और ये 50,000 उसका साल भर का डेप्रिसिएशन है, एक साल में उसके प्राइस में 50,000 के डेप्रिसिएशन के तौर पे कमी आ जाएगी। तो उसको खरीदा था 3,10,000, उसमें से हम 50,000 को करेंगे माइनस, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, 2,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर डिडक्शन टू बी मेड। तो जब आप अपने इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स पर्पज के लिए, तो आपको कई सारे डिडक्शंस अलाउड होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो डिडक्शंस होते हैं, कुछ डिडक्शन की यहाँ पे बात की गई है, और जो डिडक्शन है वो किस किस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो एक ATD है, अभी वैसे ITR फाइल में दो ऑप्शन है, एक में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एक में नहीं कर सकते। तो जो आप ओल्ड टैक्स के हिसाब से जाते हैं तभी आप अपने डिडक्शन को क्लेम कर पाते हैं, अगर आप न्यू टैक्स के हिसाब से जाते हैं तो उसमें आप डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, पर उसका जो उसमें जो सीलिंग दी गई है, जो आपकी लिमिट दी हुई है, उसका थोड़ा सा मतलब इसमें आपको अलग से बेनिफिट मिल जाता है। जैसे इसमें अगर मान लीजिए 7 लाख तक जो है, जो न्यू वाला है उसमें 7 लाख तक कुछ भी आपको टैक्स नहीं पे करना, और ओल्ड वाले में लिमिट है 5 लाख, तो 5 लाख तक इसमें कुछ भी टैक्स नहीं है, इसमें 7 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ न्यू वाले में भी बेनिफिट्स दिए गए हैं, इसी की वजह से लोग न्यू वाली जो पेंशन स्कीम, न्यू वाली जो आपकी इनकम टैक्स है, उसके थ्रू जो है अपनी फाइलिंग करते हैं।
तो 80D के तहत कहाँ हम डिडक्शन शो कर सकते हैं, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो उसका डिडक्शन आप 80D के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। 80E क्या है, जो भी आप लोन लेते हैं जैसे हायर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसमें आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप 80E के तहत जो है क्लेम कर सकते हैं। 80G में है हमारा डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस। अगर आप अलग अलग फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जो है डोनेशन देते हैं तो डोनेशन को आप 80G के तहत डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। और रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ सर्टेन बुक्स, तो कुछ सर्टेन बुक्स के जो ऑथर्स हैं वो रॉयल्टी इनकम के तौर पर अपनी डिडक्शंस शो कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो वो है 80QQB। मेनली आपका ये तीन है ज़रूरी, इनको आप लोग याद रख लीजिए। ये कई बार पूछ रहे थे डोनेशंस के लिए कौन सा है, तो वह है 80G। और ऐसी 80RRB है, अगर कोई रॉयल्टी किसी पेटेंट में आपको मिल रही है तो उसका डिडक्शन आप 80RRB में क्लेम कर सकते हैं। 80TTA, अगर आपका सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट है उस पर जो डिपॉजिट, सेविंग बैंक जो डिपॉजिट है उसके इंटरेस्ट पे आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80TTA। ऐसी TTB है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो सीनियर सिटीजन है उनके डिपॉजिट में जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट को वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80TTB। और 80U, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है वो अपना डिडक्शन 80U के तहत क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हैं, मेनली ये स्टार्टिंग के तीन और ये लास्ट वाला 80, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी को भी आप एक बार गो थ्रू इसमें कर सकते हैं। और 80C में जो टोटल लिमिट है वो कितनी कर दी है, 1.5 लैक्स है। तो जो भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं टोटल सभी का, जो आपका 80 है, 80C में जो टोटल आपका डिडक्शन क्लेम है वो 1.5 लाख है। और 80C में आपका 80CC, CCC, CCD1, CCD1B और CCD2, तो ये सारे के सारे आपके 80C में इंक्लूड हो गए। और सबको मिला के जो डिडक्शन क्लेम का लिमिट है वो आपका 1.5 लैक्स। ठीक है, ये आपके कई बार ये स्टार्टिंग के तीन और लास्ट का ये डिडक्शंस, और 80C के तहत हम मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 80C में आपका 80CCC, CCD1, CCD2 और CCD1B, ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका EMI के ऊपर क्वेश्चन है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो इस तरह का ऊपर से आपका जो डेप्रिसिएशन के ऊपर है ना, डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल भी पूछा था पिछले बार। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और ये जो आपका डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो ये आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर बैंकर्स की जो मॉक टेस्ट वीडियोस है उसमें कई सारे मैंने न्यूमेरिकल्स आपके अलग अलग जो मेथड्स है डेप्रिसिएशन के उसके ऊपर रखे हैं, तो उन वीडियोस को आपको देखना है, मॉक टेस्ट वीडियोस जो आपकी अकाउंटिंग की है जो मैंने पहले से अपलोड की, क्योंकि डेप्रिसिएशन का आपका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं एग्जाम में एक दो नंबर का। ऐसे EMI के ऊपर कैलकुलेशन में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछले साल, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है जनरली। तो ये जो मेथड्स हैं ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ आपको पुरानी वीडियोज़ में, तो उनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो EMI का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, PR1+R का पावर n डिवाइडेड बाई 1+R का पावर n-1। यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हमें एज इट इज गिवन है, जैसे कि एक लोन लिया गया 1 लाख का, ठीक है, तो P का वैल्यू हो गया 1 लाख, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, तो 12% उसका परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01। और n की वैल्यू कितनी है, 12, n मतलब टेन्योर, 12 मंथ्स में वो रिपे किया जाएगा। EMI इक्वेटेड मंथली इनकम, आपको हर महीने का जो है इसका जो है आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो आपको यहाँ पे पे करनी है। और उसका जो फॉर्मूला है वो है PR1+, तो सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, पी के बदले 1 लाख, आर आपका कितना हो गया 0.01, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट था पर एनम इसको आप क्या करेंगे मंथली इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो EMI है वो आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, तो जो आर है आर भी अपन अपना मंथली बेसिस पे ही आप उसको रखेंगे। सो जैसे ही आप 12% को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01, तो इसलिए हम आर के बदले ये पुट कर देंगे, 1+R का पावर n, टेन्योर कितना है 12 मंथ में रिपे हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम 12 सेम रखेंगे। और बाकी सेम 1+R का पावर n, 1+0.1 का पावर 1.2, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फाइनली हमें जो EMI की वैल्यू है वो 8885 ऐसे मिल जाएगा। कई बार जो है ये जो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है पावर, जैसे 180, 190, इतनी हाई पावर है। तो मैंने एक आपके लिए एक वीडियो अपलोड कराई है, आप लोग प्ले लिस्ट में देखना कि हाउ टू कैलकुलेट हाईएस्ट पावर, जो बड़ी बड़ी पावर्स होती है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो आप लोग वो वीडियो देख के समझ सकते हैं, किसी का पावर 180, 190 है उनका भी आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर के हेल्प से। और कई बार किसी का पावर जैसे मान लीजिए पॉइंट में दिया, जैसे मान लीजिए 9.5 है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर एन की वैल्यू 9.5 ऐसे दी भी है, तब हमें क्या करना है, इसको करना है डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको एक नेक्स्ट पेज में समझते रुकिए। जैसे मान लीजिए आपका एन का पावर दिया हुआ है आपको 9.5,
एक्स की पावर है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर है 9.5, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर, अगर पावर आपकी पॉइंट में दी है तो आपको क्या करना है, इसका पॉइंट हटा के इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, ठीक है? जब भी पॉइंट का पावर है मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 आप कर लेंगे, और जैसे ही आप लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड आप जिस भी नंबर से करें उसको आपको ट्राई करना है कि वो एटलीस्ट, जैसे ये आ गया आपका 19/2, ठीक है? तो आपको जो है उसको किसी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे 0.5 है, जैसे मान लीजिए 0.4 है, तो उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि वो एक नॉर्मल मतलब विदाउट डिजिट वाला नंबर आ जाए। तो इस केस में 19/2 हम इसको लिख सकते हैं, 9.5 को क्या लिख सकते हैं, 19/2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 19/2 आपका हो गया, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 19/2 को 2 की पावर 19 × 1/2, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं 19/2 को। अब 2 की पावर 19 × 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 19, उसका पावर 1/2। तो अब 2 की पावर 19 कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हाईएस्ट पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है? वो वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं। तो 2 की पावर 19 की पावर 1/2, तो 1/2 के लिए क्या करेंगे, इसका आपको स्क्वायर रूट लगाना है, तो स्क्वायर रूट नॉर्मल रहता है और 2 की पावर 19 आप कैलकुलेट, तो उस तरह से जो ये पॉइंट वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो जब भी पॉइंट कुछ आपको दिया हुआ है तो कोशिश करना कि 1/2, ठीक है, 2 से, या फिर जो है स्पेशली ये ट्रिक आपका तब काम करेगा जब किसी के लास्ट में 0.5 हो, जैसे 0.8, 0.5, 7.5, तो उस जगह पे क्या करना है, सीधे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है, और 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे उसको एक तरफ रख लेना, जैसे 7.5 है तो उसको हम लिख सकते हैं 15/2, तो बिल्कुल वो उसी की तरह काम करेगा, 2 की पावर 15 × 1/2। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा जो 0.5 या इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम थोड़ा सा उनका पावर जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, ईएमआई का आप लोगों को फॉर्मुला मेमोराइज करना है, इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था, और डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर भी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो पहले ये नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर आपका जून में, आपका मई जून में जो एग्जाम हुआ था, फिर नवंबर दिसंबर, दोनों ही बार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बहुत बार पूछा गया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पूछा गया आपका, ठीक है? अभी ये पूछा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूछा गया है, तो यानी दो दो नंबर का आप कम से कम इस स्लाइड में से, और ये जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इन 2 स्लाइड से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो जनरली हर बार 2 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं, जैसे पिछले बार 3 और 10 का पूछा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बता रहा है, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके बारे में, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग याद कर लीजिए, 2 नंबर का ये पूछा जा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया ना ईएमआई का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए ईएमआई का हमने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर सिंकिंग फंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ये भी एक क्वेश्चन रखा हुआ है, और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, तो ये 2 नंबर के लिए आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा याद करने का, ये ट्रिक मैंने खुद से ही बनाई है, और आप लोगों को कोई और अच्छी ट्रिक लगती है तो आप लोग अपना याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड है। एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि लाइन से सारे स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड आपकी बुक में दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से 6 नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 नंबर मिसिंग है, 7 और 8 2 नंबर मिसिंग है, बाकी आपका नंबर कंटिन्यू 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है? यहाँ पे पूरा आपका 18 तक, और यहाँ पे आपका 19 से लेके 29, यानी 1 से लेके 29 में 2 नंबर मिसिंग है, कौन से, 6 और 8, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं है और 8 नहीं है, और टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ तक जा रहे हैं आपके, 29 तक जा रहे हैं, तो 29 में से 2 तो नहीं है, तो कितने बचे, 27, तो हमें 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने हैं ताकि हम लोग एग्जाम में 2 मार्क्स ला सकें, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सिंपल, अगर याद हो गए तो उसके बाद एग्जाम में भी बस टिक लगाना है, तो चलिए याद करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग पहले 5 स्टैंडर्ड को याद करेंगे, ठीक है, 1 to 5। तो इस 5 स्टैंडर्ड के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, DI, कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस। तो ये आप याद करने की, ये ट्रिक है, मैंने खुद से बनाई, अगर आपको ठीक लगता है आप अपनी और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। इसको आप बोलेंगे दी, आप अपनी सिस्टर को ऐसे दी करके बुलाते हैं ना, दी वाह, वाह क्या वर्ड है, एक्चुअली एक तमिल वर्ड है, आपको मैंने तमिल का एक वर्ड भी सिखा दिया, तमिल में वाह जैसे बोलते हैं ना, वाह वांगा, वांगा मतलब किसी को अगर आप बुलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं वांगा, इंगे वांगा मतलब इधर आओ। तो इस ट्रिक में आपका एक तमिल वर्ड भी ऐड है जो कि वांगा, ठीक है? तो आपको क्या बोलना है, दी वाह कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस, यानी वो अपनी सिस्टर को बुला रहे हैं, दी दी अपनी सिस्टर को बोल रहे हैं वाह मतलब इधर आइए, कैश कंटीजेंसी मतलब आपको कैश की कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब जनरली इमरजेंसी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, आप अपने सिस्टर को बुला रहे हैं दीदी इधर आइए मुझे कैश की कंटीजेंसीज हो गई है,
प्रॉफिट लॉस मेरा कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुझे कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, मतलब मेरी जो अर्निंग है कुछ भी नहीं हो रही। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें पहले पांच याद कर सकते हैं। तो दीस आपका हो जाएगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो डी से आप डिस्क्लोजर ऐसा करके याद रख लेंगे, तो कुछ वर्डिंग की मैच कर जाएगी ना डिस्क्लोजर ऑफ दिस पॉलिसीज। तो एक बार स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत वर्डिंग मैच करेगा तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी, वो में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वह आपका वैल्यूएशंस की बात होगी, और कैश तो आपका कैश फ्लो हो ही गया। कंटीजेंसी आपकी कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग, जो भी बैलेंस शीट डेट है, तो ये उसका कंटीजेंसी से हो गया। जो फाइव आपका है, ये फिफ्थ वाला, ये आपका प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की हो गया। तो पहले पांच आपको याद हो गए, डी वा कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस, डी यानी कि डिस्क्लोजर की आप बात कर रहे हैं, वा यानी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, और बाकी नेक्स्ट लाइन जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये तो हम एक दो तीन बार गो थ्रू करेंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आएगा कि डिस्क्लोजर ऑफ किसके डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर की बात की जाएगी। वैल्यूएशन किसकी, जो भी इन्वेंट्रीज हमारे पास रखी। वैल्यूएशन क्या होता है, जब भी हम कोई भी जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं, तो जो वैल्यूअर है बैंक का इंजीनियर, जो बैंकों का इंपैनल इंजीनियर है, वो जाके चेक करके बताता है हाँ इस घर की इतनी वैल्यू है ना, तो वही होता है आपका वैल्यूएशन करना। तो आप जो कंपनी है फैक्ट्री, वो किसका वैल्यूएशन करेगी, इन्वेंट्रीज, उनके पास जो रॉ मटेरियल है उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो वैल्यूएशन के रिगार्डिंग वा हो गया। कैश मतलब आपके पास कितना कैश आ रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कितना कैश आ रहा है, जिसको आप बोलते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कंटीजेंसी, तो इसमें किसकी कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो बैलेंस शीट डेट के बाद की जो कंटीजेंसीज है उसकी बात की जाएगी। लास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो देख के मैं याद हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जिस अकाउंटिंग की पीरियड की बात की जा रही है उसमें कुछ अगर चेंज है तो उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है। आई होप आपको पहली पांच याद हो गई होंगी पॉलिसीज, डी वा कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस। अब हम लोग सिक्स तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, और आपको याद रखना है सिक्स और एट ये दो नहीं है। आप लाइन्स अगर आएंगे ना, ये पहले पांच हो गए, तो लाइन्स आप आएंगे सिक्स एट नहीं है, तो सिक्स तो नहीं है, अब हम सेवन पे आ जाएंगे सीधे, सेवन नाइन टेन, इसके लिए हमारी क्या ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट फाइव याद करेंगे, ठीक है, सेवन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एट नंबर नहीं है, तो एट आप लोग भूल जाएंगे, सेवन के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अब हम सीधे ये पांच नंबर आगे के पांच याद करेंगे, ठीक है, ट्वेल्व तक। तो इसके लिए क्या ट्रिक है आपकी, ट्रिक के लिए आप अपनी सिस्टर को बताएंगे, आप उनकी अपनी सिस्टर को बुला रहे थे ना कि दीदी इधर आइए, मेरे को कैश का कंटीजेंसीज हो गया, मेरे को कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, तो अब आप उनको और बता रहे हैं सेवन टू ट्वेल्व में आगे के, आप उनको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो काम था कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपको कुछ भी रिवेन्यू नहीं हो रहा, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो प्लांट मशीनरी सब आपने बेच दी, तो अगली बात क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें आपका कोई रिवेन्यू नहीं हो रहा, आपने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी है। अब आपकी दीदी पूछ रही है कि इतना कुछ कैसे हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ, गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टोरी क्या है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क आपको जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें आपको कोई रिवेन्यू नहीं हुआ, आपको अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब कुछ आपने बेच दिया, फिर अब आपकी दीदी ने आपकी ये बातें सुनी तीन बातें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो और आपने अपनी प्लांट मशीनरी सब कुछ बेच दी, अब आपकी दीदी बोल रही है कि इतना कुछ कैसे हो गया, तो जो आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला वो मान लीजिए कोई ये कॉन्ट्रैक्ट था किसी दूसरी कंट्री में, इसको इमेजिन कर लीजिए दूसरी कंट्री में था, जिसकी वजह से जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर इम्पैक्ट होते तो उसकी वजह से हमारी वैल्यू भी डाउन हो जाती ना, तो वही आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें फॉरेन एक्सचेंज के रेट में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने चेंज किया इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टोरी क्या हमारा कि कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे कुछ भी रेवेन्यू नहीं हुआ, मैंने अपनी प्लांट, ये बात भी आपको बतानी कि मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब कुछ बेच दिया, और फिर आपकी दीदी ने बात सुनी तो बोल रही कि ऐसा किस वजह से हुआ, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बदलने से गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया उस वजह से हुआ, ठीक है। तो सेवन नाइन टेन टेन इलेवन ट्वेल्व तक हमारा ऐसे याद इसको हो जाएगा। पहली वाली लाइन क्या थी, पहला था दी वा कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस, दीदी इधर आइए मुझे कैश की कंटीजेंसीज होगी, मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये आपने अपनी दीदी को एक्सप्लेन किया। अब जो सेवन नाइन टेन ट्वेल्व ट्वेल्व इलेवन और ट्वेल्व में क्या बोला गया, सेवन है आपका स्टोरी क्या है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन था उसमें कुछ भी रिवेन्यू नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें कुछ भी रिवेन्यू नहीं मिल रहा, आपने अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब कुछ बेच दिया, अब आपकी दीदी घबरा गई इतना कुछ कैसे हो गया, तो आप बोलोगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने चेंज किया इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो पहले आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने रेट को चेंज किया, आप बोलोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने चेंज किया, इस तरह से बोलेंगे, गवर्नमेंट को आप बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ट्वेल्थ तक याद हो गया, अब हम आगे जाते हैं थर्टीन से आगे नीचे के कुछ और याद करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आगे का जो है ना थर्टीन से आगे तक का एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं, थर्टीन से लेके एटीन तक, इस पूरे के में एक ही स्टोरी बनाएंगे। तो स्टोरी क्या है, आपकी दीदी आपको अब सजेस्ट कर रही है
कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इस बात पर तुम्हें अमल करना चाहिए। अगर तुम इन्वेस्टमेंट करती मेरी इस बात पर, तुम अगर अमल करती, अमल मतलब किसी बात का ध्यान देना, तो तुम्हें, तुम्हारे जो एम्प्लॉय है मतलब, तो तुम्हें, तुम्हारे जो एम्प्लॉय है तुम्हारे यहाँ जो काम करते, तो उनको बेनिफिट होता। तो ये तीन बातें एक साथ हो गई कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट, मेरे मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट का सजेशन दिया था, तो अगर तुमने इन्वेस्टमेंट वाली बात पे अमल किया होता तो तुम्हारे जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट होता। ये बात आपकी सिस्टर अब आपको बोल रही है। जैसे आपने उसको अपना सारी कहानी बताई कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से मुझे इतना लॉस हो गया, तो अब आपकी सिस्टर बोल रही है कि अगर तुमने इन्वेस्टमेंट पर अमल किया होता तो तुम्हारे जो इम्प्लॉय है उनको बेनिफिट होता। ये तीन लाइन एक साथ हो गई, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट पे अमल यानी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अमल यानी अमलगमेशन, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, और एम्प्लॉय बेनिफिट वही हो गया, सिंपल एम्प्लॉय बेनिफिट। अब आपने अपनी दीदी की ये बात सुनी अमल वाली, तो आप अपनी दीदी से बोल रही है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा उधार दोगी, बोरोइंग। अब आप मेन काम की बात करें कि मुझे थोड़ा बोरोइंग चाहिए, आप उधार देंगी, ऐसा करके आप उनसे पूछ रही है, ठीक है। फिर आप उनको बोल रही है कि आप एक रिपोर्ट इसकी, मतलब मुझे इसकी रिपोर्ट दो कि आप मुझे बोरोइंग दोगी, इसकी रिपोर्ट दो। अब आपकी सिस्टर है तो आपको मना नहीं कर सकती, तो उसकी, आपकी सिस्टर ने आपको ओके बोलती है। तो अभी आप उनसे क्या पूछ रही है कि आप मुझे बोरोइंग दोगी, मतलब आप मुझे थोड़ा उधार दोगे पैसे, इसकी मुझे आप रिपोर्ट दो। इसकी आप रिपोर्ट मांग रहे हो अपनी सिस्टर से, यानी उनसे पूछ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो कि आप मुझे पैसे दोगी। अब सिस्टर है आपकी, तो उसने आपको हाँ बोल दिया। आप उसकी बात सुन के आप बहुत खुश हो गए, तो आपने उनको बोला ठीक है दीदी अभी मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो अब आप पार्टी डिस्क्लोजर करेंगे उनको, ठीक है। स्टोरी थोड़ा सा फनी है बट ओके। तो आप उनको बोल रहे हैं कि ठीक है दीदी अभी मैं पार्टी में जा रही हूँ। तो उसके साथ आपका ये 13 to 18 वाला भी कंप्लीट हो गया। तो 13 में क्या हुआ, इसमें पहले आपकी दीदी ने बोला कि मेरी इन्वेस्टमेंट वाली बात पे तुमने अमल किया होता तो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट मिलता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाली बात वही हो गया इन्वेस्टमेंट, अमल हो गया आपका अमलगमेशन, और एम्प्लॉय बेनिफिट ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद अब आप सीधे दीदी से पूछे, दीदी आप मुझे बोरोइंग दोगी, मतलब मुझे कुछ पैसा उधार दोगी, इस इसकी मुझे रिपोर्ट दो। बोरोइंग हो गया आपका 16, और पैसा रिपोर्ट वाला हो गया आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। और जैसे ही आपकी दीदी ने हाँ बोला, आप बहुत खुश हो गए, तो यहाँ पे पार्टी डिस्क्लोजर आप लगा दीजिए, ठीक है, पार्टी। अब आप बहुत खुश है, तो उसके साथ आपका जो पहला पेज है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने तीन तरह से इसको याद किया। पहला तो ये है 1 to 5 वाला, दी वा कैश कंटीजेंसी प्रॉफिट लॉस, दी इधर आइए मुझे कैश की कंटीजेंसी होगी, मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, ये स्टोरी था। दूसरा था कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें मेरा रेवेन्यू बिल्कुल कम हो गया है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब कुछ बेच दिया। अब आपकी दीदी पूछ रही है ऐसा कैसे हो गया, तो आपने बोला फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने चेंज किया इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा स्टोरी कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टोरी 13 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे क्या है कि आपकी दीदी अब आपको बोल रही है कि तुम्हारे को मेरी इन्वेस्टमेंट वाली बात पर अमल करना चाहिए, तो तुम्हारे जो इंप्लॉय है उनको भी बेनिफिट पहुँचता। यहाँ पर आपकी दीदी ने बात कंप्लीट की 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है कि आप उनसे मांग रही है पैसे कि आप मुझे कुछ बोरोइंग दोगे, इस बात की मुझे रिपोर्ट दो। तो बोरोइंग कॉस्ट अलग है और जो रिपोर्ट है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग अलग है। तो आपका 16, 17 ही हो गया। और लास्ट जैसे आपकी दीदी ने बोला ठीक है पैसे लेके जाना, तो आप इस पर बहुत खुश हो गए, तो आपने पार्टी डिस्क्लोज। हमने हमने यहाँ तक टोटल 18 था, 18 में से 6 और 8 तो नहीं है आपका, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वरना आपका नंबर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो 6 और 8 नहीं है, तो हमने 18 में से 2 माइनस कीजिए, टोटल 16 याद कर लिए क्योंकि इसमें से 6 और 8 नहीं है, ठीक है। तो 16 हमें याद हो गया, अब हम आगे का और कोशिश करते हैं। आपका 19 से लेके 22 देखेंगे। अब 19 से लेके 22 तक तो एक साथ हम याद करेंगे, ठीक है, चार आपका 19 से लेके 22। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लीज, अर्निंग पर शेयर, इसको हमने क्या किया, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्टोरी बनाने का जरूरत नहीं। जो भी आपकी लीज से इनकम हुई और अर्निंग से इनकम हुई, अर्निंग पर शेयर से, तो उसको आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट कर दिया ताकि आप टैक्स में इसको शो कर सकें, बस इतनी सी बात है। लीज में आपकी अर्निंग हुई, आपका आपका एक घर है उसको आपने लीज पे चढ़ाया है, आपने कुछ शेयर्स लिए, अर्निंग पर शेयर, आपको शेयर में भी फायदा हुआ है। इस पहले वाले जो हमारा स्लाइड था उसमें हमने सिर्फ उसके लॉस की बात की, लॉस हुआ उसने सारे अपने सिस्टर्स को बताया, फिर उसकी सिस्टर ने उसको बोरोइंग देने का वादा भी किया। अब यहाँ पे पार्टी वाली बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पे आके थोड़ा सा पॉजिटिव बात करेंगे कि उसकी कुछ कमाई भी हुई, उसकी सिस्टर की क्या हुई है, लीज पे उसका एक घर है वहाँ से उसकी अर्निंग हो रही है और शेयर्स में उसकी अर्निंग हो रही है। उसको उसने क्या किया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट किया, यानी इन दोनों को मिला दिया, कंसोलिडेट किया, और वो चीज़ उसको टैक्स में भी शो करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई, लीज और अर्निंग पर शेयर हुई है, ये बात अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट की है। और ये सो आपको अपना क्या करना है, अपनी टैक्स, अपनी इनकम पे टैक्स शो करना है, तो इसीलिए आप अपनी लीज के थ्रू जो आपकी कमाई हुई है और आपकी जो अर्निंग पर शेयर में दो तरह से आपकी कमाई हुई है, दोनों को आप कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेट में ताकि आप अपनी अर्निंग टैक्स पे शो कर सके। तो ये आपका 19 से लेकर 22 तक 4 आपका हो गया। अब लास्ट के 4-5 बने बचे हैं, इनको भी एक बार देखते हैं। अब आपका हम 23 से लेके यहाँ तक 27 तक एक साथ याद करेंगे। तो इसको याद करने का तरीका, एक आप बोलेंगे कि आपके पास कुछ, आपने जो इन्वेस्ट किया था अपनी एसोसिएशन में, एसोसिएट में, तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि जो एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट है मैं उसको हटाऊंगी, डिसकंटिन्यू करूंगी, ठीक है। एसोसिएशन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करूंगी, कैसे करेंगे,
अगर आप अपनी एसोसिएशन में इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? इंटीरियर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहीं से पैसा लाऊंगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपोर्टिंग, ठीक है? ऐसा है, समझ लीजिए, इंटीरियर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहीं से अरेंज करेंगे और अपने इनटेंजिबल असेट्स को बेच के, तो दो तरह से आप डिसकंटिन्यू करेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करेंगे और अपना इनटेंजिबल असेट्स को बेचेंगे, और उससे आप अपना जो जॉइंट वेंचर है उसमें भी अपना जो है उसको भी आप डिसकंटिन्यू करेंगे। इसमें डिसकंटिन्यू वर्ड नहीं है, बट याद रखने के लिए कि एक तो आपका एसोसिएशन है, एसोसिएशन और जॉइंट वेंचर, ठीक है, दो चीज़ें साथ साथ आ जाएगी। एक तो होता है आपका इन्वेस्टमेंट आपको हटाना पड़ेगा एसोसिएशन में, और जो आपका इंटरेस्ट था जॉइंट वेंचर में उनको आप लोग लिख लेंगे, बीच में जो बचेगा इसको आप पहले लिखिए कि मैं डिसकंटिन्यू कर रही हूँ इस चीज़ को, अपने एसोसिएशन को, फिर आप बोलोगे कि कैसे हो पाएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे और फिर हम इंटेंजिबल असेट्स को भी बेचेंगे, तो इस तरह से कुछ स्टोरीज को बना लीजिए। लास्ट का जो दो बचता है तो इसको हम लोग वैसे याद कर सकते हैं कि अब सारे के सारे असेट्स इम्पेयर है और अब मेरी जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है, कंटीजेंट असेट्स आ गए, तो वो 28, 29 इस तरह का हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, इसको इस तरह से आप लोगों को याद करना है। और ये लास्ट वाले पेज का भी कि मेरा जो लीज है ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट रनिंग नंबर है, बस 6 और 8 गायब है, बाकी सब कुछ आपका रनिंग नंबर है, तो नंबर भी आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका कैसे आ रहा है एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि AS20 क्या है, या AS, जैसे पिछले बार दो क्वेश्चन था एक एक नंबर का, AS1 क्या है, या फिर AS10 क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? एक बार आप लोग याद कर लीजिए, अगर पूछते भी तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।